एक साल के करीब होने आ रहा है जब गुलबर्गा के अंदर एविएशन सेक्टर में काफी बड़ा एक लॉन्च हुआ, जहां हम बात कर रहे हैं एरो हब एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की। तीन यंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ये शुरुआत की थी और आज ये एक मुकाम तक पहुंचने जा रहा है। कंपनी अनवीलिंग से लेकर लॉन्च और उसके बाद कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी चीजें एरो हब को एक नई लिफ्ट और नई मार्केट में पोजीशन बनाई है। जोया अग्रवाल और कैप्टन तन्मय इनॉग्रेशन में आना इटसेल्फ एक काफी बड़ी बात है। लेटेस्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें अंडर द गाइडेंस ऑफ तौसिफ लखपति, सीईओ और फाउंडर एरो हब कंपनी, और साथ साथ एम वीरा बाबू डायरेक्टर शाखा इंस्टीट्यूट, इनकी निगरानी के अंदर एरो हब एविएशन की टीम ने हुबली का टूर किया। हुबली एयरपोर्ट में दो दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर शाकिर अहमद जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और डायरेक्टर हैं एरो हब के, उन्होंने इस प्रोग्राम को लीड लिया। साथ साथ सचिन गुरु जो कि इंस्ट्रक्टर हैं शाखा इंस्टीट्यूट के, उन्होंने भी यहां पर काफ़ी अहम रोल निभाया। एरो हब के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट, जिसमें एविएशन सेक्टर के 5 स्टूडेंट्स और पायलट ट्रेनिंग का 1 स्टूडेंट, इन्होंने इंटर्नशिप ली और काफ़ी नॉलेज मिली उन्हें कई सारे फील्ड्स में, जिसमें शामिल है कार्गो सेक्टर, एयरपोर्ट ग्राउंड ऑपरेशंस, फायर एंड सेफ्टी, रनवे ऑपरेशन, 5 एयरलाइंस के, इतने डिटेल्स चीज़ें यहाँ पर बताई गई। हुबली एयरपोर्ट के सभी ऑफिशियल्स ने एरो हब स्टूडेंट्स को और शाखा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को तारीफ भी की और कहा कि आपको जो जो भी सपोर्ट आगे भी होना चाहिए हम देते रहेंगे। एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ने सभी लोगों को काफी इंडिविजुअल अटेंशन दिया और काफी अच्छा सपोर्ट भी किया, काफी अच्छी नॉलेज भी शेयर करने को मिली, इंटरव्यू मेथड किस तरह से होते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशन की लाइव ट्रेनिंग, रैम्प सर्विसेज, ग्राउंड स्टाफ, कार्गो के बारे में हर वो डिटेल्स यहाँ पर दी गई इन दो दिन के इंटर्नशिप प्रोग्राम में। एरो हब के डायरेक्टर्स ने गोहाज टीम से डिस्कस भी किया और आने वाले फ्यूचर के कई सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो अलग अलग स्टूडेंट्स प्रोवाइड करने वाले हैं और लाइव फील्ड ऑपरेशंस की नॉलेज उन्होंने भी शेयर की। सेकेंड बैच के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं एविएशन सेक्टर में, वो एरो हब की टीम कांटेक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने भी एरो हब के डायरेक्टर शाकिर अहमद और तौसिफ रहमान दोनों की मेहनत को देखकर काफी सारी मुबारकबाद भी दी, और जोया अग्रवाल और हाल ही में कैप्टन तन्मय जो यहां पर ओपनिंग में थे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और डायरेक्टर्स ने कहा कि और जो भी फैसिलिटीज एआई से दी जा सकती हैं वो एविएशन सेगमेंट यानी कि वो एरो हब को दी जाएगी। अगर आप एरो हब एविएशन के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो स्क्रीन पर आई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गोहाज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।